में एक्सेल में आपको आपके सामने में देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ इसके पहले जो है वह ट्रिपल टाइम जीरो लग जा रहा है, लेकिन वैसे ही हम सीट वन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 या आपके सामने ट्रिपल टाइम जीरो और 1 टाइप करता हूँ, ट्रिपल टाइम जीरो 4 टाइप करता हूँ, नहीं ले रहा है। आखिरकार दोस्तों ऐसा कैसे कि किसी एक सीट में मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर तो इसके पहले जीरो लग जा रहा है, जबकि इसके यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो जीरो नहीं लग रहा है, कैसे होता है? चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। सबसे पहले जिसके अंदर आप एंट्री करना चाहते हैं उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैंने ऐसे क्या काम कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नंबर वाले इस तरह से ऑप्शन पे जाएंगे, आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। उसके बाद कस्टम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ जो जनरल दे रहा है इसको हटा देते हैं। आप कितनी जीरो पहले चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 4 जीरो पहले आए तो आपको 5 जीरो टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 5 जीरो टाइप किया है, अब जब भी आप कोई संख्या लिखेंगे तो उसके पहले ऑटोमेटिकली 4 जीरो लग जाएगा। जैसे 3 देखिए ऑटोमेटिकली 4 जीरो लगा इस तरीके से। तो अगर आप इस संख्या को हटाना चाहते हैं इसके लिए फिर से सेलेक्ट करना होगा और फिर हम नंबर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से जनरल पे जाने के बाद यहाँ ट्रिपल टाइम जीरो, इसको जीरो को हटाने के बाद हम ओके कर देंगे, यह हमारा मोड जो है वह नॉर्मल वे में आ जाएगा।